ये एक छोटी सी नहर है, एक सामने से जो नहर आ रही है वो देखिए इसके बीच में है। सामने आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक है। आर्मी वाले बच्चे यहाँ पर दौड़ लगाते हैं। ये जो लोकेशन है वो गाजीपुर में पड़ता है, गुजरी हुई है, इसके बीच से अंदर से ये पानी जा। हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम एक ऐसी जगह हैं जहां पर एक पुल आप देख सकते हैं कि ऊपर है हमारे पीछे, जिस पर हम चल रहे हैं, ये रोड है और इसके नीचे एक नदी बह रही है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये नदी नहीं नहर कह सकते हैं, ये एक छोटी सी नहर है। इसके नीचे और इसके बीच में एक सामने से जो नहर आ रही है वो देखिए इसके बीच में है, मतलब कि सबसे नीचे एक नहर और उसके बीच में एक नहर और उसके बाद ये रोड। ये पुराने जमाने का देख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक है, अगर ऊपर से ट्रेन जाएगी तो ऊपर से कैसा दिखता है ये पुल वो भी आप देखेंगे वीडियो में। ये जो लोकेशन है वो गाजीपुर में पड़ता है, यानी कि सैदपुर से जो इधर सादात की तरफ रोड जाता है उस रोड का ये सीन है। और सामने लिखा हुआ है, वीरों की धरती, शहीदों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो ये भाई वीरों की धरती है। बात करते हैं जब गाजीपुर की या बलिया की या जौनपुर की, बनारस की, तो अगर कहीं पूरे देश में कहीं कोई लड़ाई होती है तो यहाँ के जो, अगर मान लेते हैं कि 10 लोग शहीद हुए तो 2 लोग जरूर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यूपी और बिहार तो पूरा समझे कि देश में जो जितने आर्मी वाले BSF वाले हैं वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेंगे। पंजाब वाले भी हैं, हरियाणा वाले भी हैं, राजस्थान वाले भी हैं। तो इन लोगों में अगर 10 लोग शहीद हुए, 10 जवान अगर शहीद हुए हमारे, तो उसमें 2-3 लोग 4 लोग जरूर यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। पुलवामा अटैक में भी हुआ था, उरी वाले में भी लोग थे यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि वीरों की धरती है भैया अपना भारत, आप इतिहास जानते ही हैं। सामने से नदी आ रही, अभी देखिए जो पानी है ना, पानी सूख गया है बहुत ही कम। गंगा जी की, जो गंगा जी से ये नहर निकल के आ रही है, बनारस से जो गंगा जी आ रही हैं। आइए इधर से दिखाते हैं, ये नहर सिंचाई का जो है कि सबसे बढ़िया साधन है ना। पहले ज़माने में भी नहर से और कुएं से सिंचाई होती थी, और अभी अभी यहाँ जो इन नहर के किनारे जितने भी खेत हैं, उधर आप सामने देख सकते हैं सरसों का खेत और सारी चीज़ें, तो ये जितना भी सिंचाई का काम अभी होता है पूरा इन्हीं नहरों से होता है। और इनका अलग से लगान की तरह, जैसे पहले लगान दिया जाता था वैसे इनका अलग से एक बिल आता है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल आता है वैसे बिल दिया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पीपल का पेड़ है यहाँ पर। और जो आर्मी वाले बच्चे हैं यहाँ पर दौड़ते हैं, मतलब सुबह 4 बजे अगर आएंगे आप, 4 से 6 बजे तक आप देखेंगे कि आर्मी वाले बच्चे यहाँ पर दौड़ लगाते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। और वही लोग लिखे हैं यहाँ पर, देखिए, वीरों की धरती, शहीदों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, जय हिंद, जय भारत। तो इस प्रकार से कुछ इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को गाजीपुर वाले। और बलिया वाले कहते हैं कि वीरों की धरती, शहीदों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। तो अगर आप इन जिलों से हैं और यूपी बिहार से हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत ही जल्द हम पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में भी आएंगे और वहाँ की चीज़ों को दिखाएंगे। देखिए पीपल का वृक्ष जो है कि यहाँ पर बहुत सारा आपको दिख जाएगा, 1, 2, 3, 4 और उधर भी दिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि इतना खूबसूरत ये लोकेशन है एक्सरसाइज करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, और आर्मी की दौड़ का जो आप तैयारी करते हैं, जो 1600 मीटर का रेस करना होता है, उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कि इस पर गाड़ी वगैरह नहीं ज़्यादा चलती है तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि धक्का लगने का कोई चांस नहीं होता है, आराम से आप दौड़ते हैं और आराम से एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर जब ये पानी भरा रहता है तो बच्चे यहाँ पर स्नान भी कर लेते हैं बहुत ही आराम से। ये देखिए एक नहर जो है इसके बीच से गुजरी हुई है, इसके बीच से अंदर से ये पानी जाता है, और जो सामने वो रेलवे वाला दिख रहा है ना, वहाँ से जो नहर आ रही है वो एकदम नीचे है, एकदम बॉटम में है, बीच में ये है और ऊपर से ये रोड। तो कैसा लगा आपको, आप कभी इधर आए होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही देखिए, मेरा यही उद्देश्य है इस चैनल का कि हम भारत के जितने भी ऐसी जगहें हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं,
उनको बताना है, भारत के टूरिज्म का बढ़ावा देना है। यहाँ से कुछ ही दूर पर दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो है कि घर पड़ता है, करीब हमको लग रहा है कि 7-8 किलोमीटर के रेंज में है। और ये लोग निरहुआ चला लंदन, ये लंदन जाके शूटिंग करते हैं। भैया अपने यहाँ अपने इंडिया में इतना बढ़िया बढ़िया लोकेशन है, आप यहाँ पर शूट करिए, अपने इंडिया के टूरिज्म का बढ़ावा दीजिए, ऐसे लोगों को पता चलेगा तो लोग आएंगे। आप लंदन में जा रहे हो, वहाँ पे जब होटल लेते हैं या पानी खरीदते हैं तो यहाँ का पूरा पैसा कहाँ हो जाता है, वहाँ लगता है। अगर यहाँ के टूरिज्म का विकास करेंगे, यहाँ के बारे में लोगों को दिखाएंगे, ये देखिए कितना अच्छा पीपल का पेड़ है, ये पीपल नहीं, यहाँ पर पीपल है ये सामने, ठीक है। तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो, सभी लोग क्या किए हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि भैया ये ऑक्सीजन बहुत मिलता है, और माइंड को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पूरे बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। तो बात कर रहे थे ना शूटिंग वगैरह की, तो आप अगर टूरिज्म का जब विकास करते हैं ना, तो क्या होता है कि विदेशों से लोग आते हैं घूमने के लिए, भैया इंडिया में क्या क्या घूमने लायक है, तो ये कुछ अद्भुत चीज़ें हैं। तो जब आप लोग घूमने वहाँ से वो लोग आते हैं तो यहाँ पर होटल लेके रहते हैं, पानी खरीदते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो सारे पैसा क्या होता है, वहाँ से जो पैसा आता है तो सिर्फ वो इंडिया के लोगों को फ़ायदा मिलता है और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, कुछ यही सोच है। चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको हिस्टोरिकल चीज़ें और नॉलेजेबल चीज़ें दिखाते रहेंगे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।